अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को अक्टूबर नवंबर में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी का मौका मिला है, जिसमें एक मैच भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। धर्मशाला में पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होगा। यह विश्व कप का तीसरा मुकाबला होगा। इसे बाद 10 अक्टूबर को इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। धर्मशाला में तीसरा मैच 17 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और क्वालिफायर 1 टीम के बीच होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। धर्मशाला में पांचवा और अंतिम मैच 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। यह जानकारी धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में एचपीसीए के सचिव अविनाश परमार ने दी। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें वर्ल्ड कप के 5 मैचों के आयोजन का अवसर मिला है। इससे पहले हमने आईपीएल के 2 मैच हुआ जिनका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और दर्शकों में भारी उत्साह था। हमारी 5 जो मैच जो मिले हैं उसमें बड़ी टीमें खेलेंगी, जिसमें से कि एक मैच भारत का भी यहां पे होगा जो न्यूजीलैंड के साथ 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। सर, बात करेंगे, खूबसूरत स्टेडियम है तो क्या लगता है कि कितने जो दर्शक है यहाँ पर ये देखने के लिए आए, उनमें कितनी उत्सुकता है, आप लोगों में कितनी उत्सुकता है इस चीज़ को लेकर? एचपीसीए के लिए तो हमेशा उत्साहित रहते हैं कि यहाँ पे मैच का आयोजन हो, लेकिन जब भी मैच धर्मशाला को मिला है दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिला है कि वो इस स्टेडियम की खूबसूरती देखने के लिए सब लोग दूर दूर देश विदेश से आते हैं। अब तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे जो ये वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है इसमें पूरी दुनिया से विदेशों से भी पर्यटक आएंगे और हमारा यहाँ पे जो धर्मशाला में हिमाचल में पर्यटक के व्यवसायिक तौर पर उनको बहुत बिजनेस मिलेगा। सर, बात करना चाहेंगे तैयारी को लेकर, फिलहाल आपकी तैयारियां तो पूरी है क्योंकि आईपीएल के मैच यहाँ हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर के किस तरीके की रहने वाली है? वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां जो हैं जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो पूरी कर लेंगे, लेकिन हमने अभी तक तो जो आईपीएल के मैच हुए हैं उसमें बहुत सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आई, और यही चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में जो थोड़ा बहुत कुछ काम हमारा स्टेडियम का है जिससे थोड़ी खूबसूरती बढ़ाई जाए वो हम उस पर काम करेंगे।